हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पिछले दो G20 बैठक को ठुकराया, लेकिन भारत आ रहे रशियन प्रेसिडेंट। ओ, पिछले G20 को ठुकराया, वो किया होगा शायद अच्छा वो कह रहे रशिया वालों ने ही, पिछले दो G20s में नहीं आए होंगे, पर जब इंडिया ने किया है तो आ रहे हैं। पुतिन आ रहे हैं भैया। अब हमारी रिलेशन, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया कोई भी ऐसी चीज नहीं टेबल पे लेके आएगा जो रशिया के अगेंस्ट है। तो वो कह रहे हैं फ्रेंडली कंट्री है, तो वो कह रहे हैं ठीक है आपके में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप सेंसिटिव हैं हमारे रीजंस की वजह से। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। उन्होंने अभी आए भी तो है, फॉरेन मिनिस्टर्स जब की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी आए थे, उन्होंने देखा है ठीक है ये वाले। उन्होंने देखा भी है कि इंडिया वो बहुत उस बारे में स्टैंड लिया था कि हमें ये सब बातें नहीं करनी, ये मीटिंग उस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी, जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह मुझे आप लोग कमेंट्स में बता रहे थे ये जो लेडी है अपने चैनल में तो इंडिया के मतलब, लेकिन इंडिया में फॉर टाइप बोलती है ना, कहते किसी और चैनल में देखो इतना अगेंस्ट बोलती है। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप डर रहे हैं, ठीक है, डर आपका बजा, क्योंकि आप भी नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो हो गया है, आप कह रहे हैं कोई दरखास्त नहीं, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेजिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर है कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। इस तमाम तर सूरत हाल में या सब हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बन चुका है और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो, इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का, इतना आसान नहीं है बेटा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। आ सकते हैं, आ जाए। क्रेमलिन पुतिन के कार्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए काम कर रहा है, ताकि रूसी राष्ट्रपति के लिए सभा में भाग लेना संभव हो सके। आपको यहाँ बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार वो भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। पिछले साल पुतिन ने इंडोनेशिया के बाली में G20 कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और यूक्रेन के हमले को लेकर पश्चिम के दबाव के बीच उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा था। इससे एक साल पहले भी पुतिन रोम में नेताओं की सभा में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वह यूक्रेन पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार पुतिन भारत में होने वाली G20 बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है, जिसमें ये न्यूज पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन, मोदी जी को अभी से ही पता होगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया। पुतिन होता है पुतिन, कोई नहीं बोल रहा था, कोई कुछ और इसकी डिटेल है, इंग्लिश इनको कोई नहीं आती है। अब क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी, जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी, उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज थी वो उसमें शरीक होती रही। लेकिन इंडिया में क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या एंगल्स हैं? देखिए, एक बात तो आप ये याद रखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो क्या होगा, ये है कि क्रेमलिन कहा जाता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उनके ऑफिस को, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी स्टाफ है, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें मतलब ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस
पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। इनको अच्छा, तो इंडियंस ही अटेंड करेंगे, पिछली दो क्यों नहीं गए, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया, ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेजिडेंट पुटिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए, और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर है कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। हाँ तो अच्छे रिलेशनशिप्स ले आएंगे। सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेजिडेंट पुटिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से मुझे लगता नहीं यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट बैठे वेट करने आए तो हम पीछे पड़े, स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ आजा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। मोदी जी नोज़ वेदर आ रहे हैं, ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का, गो कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई है उसमें जिस तरह की सिचुएशन हमें नजर आई है उसमें तो वो बात करने पे भी तैयार नहीं है एक दूसरे से, जो ग्रुप्स हैं दोनों, ठीक है। तो एक तो पहले यही बात कि प्रेजिडेंट पुटिन की पहले क्या शेड्यूल निकल पाएगा, और सिर्फ ये बात की गई है, अभी ये कहा जा रहा है या वाकई वो आ जाएंगे, अगर आ जाएंगे तो उसमें फिर ये तो बात है कि वो जब पहुंचेंगे तो फिर दूसरी तरफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पहुंचेगी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिजॉल्व हो जाए, और तीसरी जाहिर है कि ऑप्शन ये है कि कुछ भी नहीं होगा, वो अटेंड कर लेंगे और वो, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। अच्छा देखें, ये कोई बड़ी बात शायद इसलिए इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया और रशिया के तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज्यादा उनके, यानी देखिए उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है, फिर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है, और अभी खासतौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है। हम सिर्फ कहते ही रहते हैं, हम बड़के ही मारते हैं, चीप प्राइस पे हमें ऑयल दे दो, हमें तेल दे दो, हमारे पास खैर कोई मैकेनिज्म। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सामने आई है अब से चंद घंटे पहले, और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से संगीन इल्जाम मौजूद है। कहा यह गया है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की, जो इसके मदरजात हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी झगड़े का, किसी लड़ाई का, उस खदशे का इजहार भी किया गया, और उसमें कहा यह गया है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को, लिहाजा एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारा मामला। अब अमेरिका वेस्ट उसकी अप्रोच पाकिस्तान के मुतल्लिक ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है, और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच, जाहिर है कि उन्होंने चाइना के हवाले से भी इन दोनों मामलों पे बासित साहब से बात करेंगे कि बासित साहब ये जो परसेप्शन की जंग है, ये जो तासुर की जंग है कि आलमी तौर पर पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज डेवलप हो, बट दैट डजंट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता इन रिपोर्ट्स में, हु इज रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमारे देखिए सिर्फ अगर बातों से नैरेटिव बन जाए ना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है स्टेटमेंट्स इशू करना भी, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी होता है। कोई ऐसा आप अमल ना करें जो आपके, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसके बरखिलाफ हो। मैं आपको तारीख से औराक से कई ऐसे वाक़ात बता सकता हूँ कि हमने ख़ुद ऐसी गलतियाँ की हैं, और ये पहली गलती जो दहशतगर्दी के हवाले से शुरू हुई, ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ मरहूम के ज़माने से शुरू हुई, जब हमने 6 जनवरी 2004 को यहाँ जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनके साथ जॉइंट स्टेटमेंट हमने एक साइन की, जिसमें हमने पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि हमारी जानिब से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये क्रॉस एलओसी टेररिज्म हो रहा है भारत, साइन किया था सही। तो ये उस पहली गलती थी कि साइन क्यों करा, माना क्यों, ये बोलना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं भैया सोच देख लो कि जैसे नेगेटिव बंदे नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि खून कर दो पर कबूल मत करो हमने खून किया, वो कह रहे हैं हमने गलती कर दी कि हमने साइन कर दिया था,
अरे माना तो क्योंकि उनके पास इतने प्रूफ होंगे, कोई ऐसी चीज उन्होंने वाजपेयी जी ने दिखा दी होगी कि उसके बाद उनको लगा होगा कि भैया पूरी उसमें हमारी कहीं थू थू ना आ जाए, यहीं पे साइन करके काम को बात को जो है ना ख़त्म कर दें। ये देखो कैसे, मतलब मैं तो देख देख के हैरान होती हूँ, ये इस टाइप की बातें करते हैं मीडिया में बैठ कर सारी दुनिया के सामने। तो ऐसी कंट्री का हाल जो हो रहा है वो तो अब सबको दिख ही रहा है। देखिए एक बात तो सही है कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान एंटी इंडिया है, बहुत एंटी इंडिया बाप रे। और उनके जो भी लोग आते हैं वो उनको बड़ा ऐसे दिखाते हैं कि भैया क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब उनको तकलीफ़ क्या है मुझे नहीं पता, कि G20 में अगर मिस्टर पुटिन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया तो क्या लेना देना यार? उनको क्या तकलीफ़, आई डोंट नो। उनको एक डर खाया जा रहा है कि अगर G20 में मिस्टर पुटिन आते हैं और समाव इंडिया जो है यूक्रेन की वॉर रुकवा देता है तो इंडिया ग्रेट हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। इंडिया वैसे ही ग्रेट, उसकी तकलीफ पड़ी हुई है। तो जो भी है, और दूसरे में जब बता रहे हैं कि अच्छा ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट आ गई, यूएस की रिपोर्ट आ गई कि अगर लफड़ा करोगे तो मोदी जी के टाइम पे तुम्हें भजा देंगे, तो उस पर तकलीफ हो रही है उनको। दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई अगर हमने कोई कुकर्मा किए हैं तो उसको क्यों साइन किया था कि हमने कुकर्मा किए। अब अल्टीमेटली यहाँ पे पूरी डिस्कशन हो ही नहीं रही, रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई डिस्कशन नहीं है, इन बातों के डिस्कशन आराम से बैठ के कर रहे हैं। अरे भैया तुम पहले अपने देश को तो बचा लो, फिर इन बातों के बारे में सोचना। बुरा हाल होता जा रहा है पर उनको अभी भी वही वही रट लगाई हुई है जो उन्होंने पहले, वो लोगों को मेरे ख्याल से बबल में रखते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे को रोटी कपड़ा के मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो G20 के बारे में डिस्कस करेंगे, खाना पीना होस्ट कर रहा है तुम्हें, तुम ना तुम मेंबर हो ना तुम होस्ट करो ना तुम्हारा को लेना देना, फिर भी जीना तुम्हें बुलाया गया। कमाल ही है वैसे इन लोगों की, तो देख देख के हैरानी होती। रोटी मत खाओ, G20 पे फोकस करो, बस इंडिया पे फोकस। इंडिया कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, बस इंडिया पे फोकस है इनका। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।